ताजमहल मस्जिद के इमाम साहब जब नमाज पढ़ने गए तो ऐसा है कि कर्मचारियों द्वारा उनको नमाज अदा करने से रोकने का प्रयास किया गया। जब शहर के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये सब मजहबी कारों में दखलंदाजी है, तो शहर के लोगों में उबाल आया और उसके विरोध में उन्होंने 4 तारीख को ASI कार्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन भी किया। उसमें मांग करी कि मां पुनरावर्ती जो है नमाज की पुनः की जाए और उसके पश्चात कुछ तथाकथित सामाजिक संगठनों के नाम पर जो देश में सांप्रदायिकता का जहां माहौल पैदा करना चाहते हैं उन्होंने वह पूरी अर्चना का करने का प्रयास किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं और हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो जो ASI के कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार हैं कि उन्होंने उस काम को वहाँ क्यों अंजाम होने दिया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ASI के द्वारा ताजमहल के रोजाना की नमाज पर जो डिस्प्यूट चल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर गजट के नाम पर रोकने का जो प्रयास कर रही है उसके विरोध में हमने आज माननीय मंडल आयुक्त महोदय को आज ज्ञापन दिया है और उसमें ये मांग की है जो ASI डिस्प्यूट फैला रही है और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर इमाम साहब को रोका गया जो और कोई भी लिखित में आदेश दीजिएगा, जबकि हमने कई बार ASI से कहा कि आपके पास यदि कोई लिखित में आदेश है तो हमें दिखाया जाए। कमिश्नर साहब ने क्या कहा है? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका ज्ञापन आया है, हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और रिजल्ट को देखेंगे और उसके बाद जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो धार्मिक भावनाएँ हैं किसी के ठेस नहीं पड़ते। उनकी इच्छा है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसमें यही कहा गया है कि शुक्रवार के अलावा भी जन्म दिनों में नमाज पढ़ने दिया जाए। तो बहरहाल उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन वो लेकर आए थे और कुछ नहीं लेकर आए थे, उसमें मामला संभवतः ये लोग खुद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो हम उसको एग्जामिन कराएंगे। DM साहब को हमने लिखा है। सर, ताजमहल में लगातार धार्मिक गतिविधियाँ होती नजर आ रही हैं तो इसको लेकर किस तरीके से जिला प्रशासन देखेगा? कभी नमाज होती है, कभी पूजा करता है, उसके लिए कई निर्देश दिए गए हैं तो हम लोग उसकी सेक्रेटरी